हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग एड्स डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। एक तरह से जो फ्लायर डिज़ाइन होते हैं, टेम्पलेट्स और एड्स चलते हैं आजकल की बहुत सारे ट्रेंडिंग में चल रहा है कि फूड से रिलेटेड और बाकी एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड बहुत से ऐसे डिजिटल मार्केटिंग में चल रहे हैं। तो आज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ एड्स की डिजाइनिंग मैं करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप कुछ मेरे कोरल ड्रा के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो ये एक डिजाइन कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर मैं एक डिजाइन बनाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैटर लिख ले रहा हूँ, डिलीशियस फूड एंड कैटरिंग सर्विसेज, ठीक है। और मैं सारे को अलग अलग कर ले रहा हूँ, कंट्रोल के साथ की मारेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो फॉन्ट है मैं अलग अलग कर ले रहा हूँ, कंट्रोल के साथ सिर्फ 4 दबाएंगे तो ये छोटा होते चला जाएगा और 6 दबाएंगे तो ये बड़ा होते चला जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको सेंटर में ले ले रहा हूँ और सीधे सीधे हम कॉपी नहीं करेंगे, एकदम टोटल सिर्फ बनाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से जाऊँगा, ये टूल लूँगा, ठीक है, फ्री हैंड टूल। यहाँ से ये टूल्स ले लेंगे और यहाँ से इसको हम ट्रिम कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम अंदर ले लेते हैं और इसको हम कट करके ये हमने डिजाइन से लिया है, ठीक है। यहाँ से आप चाहेंगे तो इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से हम सर्कल बना करके इसको हम डिजाइन को जो फूड है उसको हम कट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और कट कर लेता हूँ अंदर मुखी और अंदर से इसको थोड़ा सा और दबा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद मैं ले लेता हूँ अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कुछ अलग अलग टाइप से फोटोज हैं, ठीक है। तो इसको भी मैं कट कर ले रहा हूँ। यहाँ से जाएंगे, एक टूल्स ऐसे बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स को मैं ऐसे घुमा ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं इस सेम है जैसे मैं इसको पहले घुमा ले रहा हूँ, घुमाने के पहले मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर ले रहा हूँ, ठीक है। छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर्व कर दे रहा हूँ, कर्व करने के बाद इसको यहाँ से लेंगे और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक तरह से हमारा ये डिजाइन कंप्लीट है। तो इसको मैं अलग अलग शेप में मैं ऐसे ही डायरेक्टली कट कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके इसको मैं कट कर ले रहा हूँ, ठीक है। हमें सिर्फ फूड से रिलेटेड लेने हैं और यहाँ से इसको भी हम सिर्फ F5 दबाएंगे और इसको हम कट करके अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो
हमारे ये कुछ डिजाइंस है। डिजाइंस क्या है, ये हमारे कुछ फूड से रिलेटेड कुछ डिजाइंस है, ठीक है। तो मैं इसको कट करूँगा, ऐसे गया, ठीक है। और इसको मैं अंदर मुके लेके और इसको मैं कट कर ले रहा हूँ। तो चलो ये हमारा डिजाइन अलग अलग हमने कट कर लिया है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कलर फील होता है, नहीं फील नहीं हो रहा है, तो ये ऐसे रह देंगे। हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, बस हमें काम ये करना है कि हमें डिजाइनिंग बनानी है। तो सबसे पहले हम इसमें कलर फिल करते हैं। तो कलर फिल करने के लिए मैं इसमें जाऊंगा, कलर पे फिल करके शिफ्ट के साथ पेज डाउन मारूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ आइकन दिख रहा है, ठीक है। इस आइकन को भी कट कर ले रहा हूँ और यहाँ से अंदर मुखी ले कर आ रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इन सबको मैं ऊपर करके वाइट दे रहा हूँ, ठीक है। वाइट देने के बाद मैं एक बॉक्स लूँगा। बॉक्स लेने के बाद एक लाइन बनाऊँगा और इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूँ। इन दोनों लाइन को पकड़ के इसमें हम जाएंगे और यहाँ से हम ब्लेंड टूल लेंगे और इन दोनों को लाइन पे मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद ऑब्टेन दबाएंगे और किसी एक लाइन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम जाएंगे पूरा सेलेक्ट करके और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हम अलग अलग इसकी शेप, ठीक है। तो मैं इसको डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर दिया हूँ। अब इसमें मैं कलर दे देता हूँ, ये वाली कलर, ठीक है। तो मैं इसमें कलर दे देता हूँ। अभी देखिए ये कलर हमारे इसमें फेल नहीं हो रहा है। तो मैं एक बॉक्स लूँगा, बॉक्स लेने के बाद इसमें मैं कलर यही वाला फिल कर देता हूँ और फिर मैं इसी कलर को इसमें फिल करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा कर्व नहीं है और इसको हमें कर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल के साथ क्यू मार देता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊँगा इसमें, अब यहाँ से अभी देखें कर्व नहीं है, ठीक है, अभी ये ब्लेंडेड है। तो मैं एक कंट्रोल के साथ के मारूंगा। अब ये सारे अलग अलग पार्ट बन गए, यहाँ से हम ग्रुप कर देते हैं। अब इसको मैं कलर दे सकता हूँ, ठीक है। तो लो हमने कलर भी दे दिया इसमें। अब इसको ये ग्रुप मैंने कर लिया है। अब इसमें अंदर आएंगे, अब इसमें हम लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस डिजाइन को पकड़ेंगे, थोड़ी सी इसको हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसको बढ़ाने के बाद थोड़ी सी मैं नीचे करूँगा और ये जो बॉक्स है बॉक्स को भी नीचे कर देता हूँ और इसमें जो ट्रांसपेरेंट है ट्रांसपेरेंट में इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दे देता हूँ, ठीक है। तो हमने इसमें ट्रांसपेरेंट भी दे दिया, और भी ट्रांसपेरेंट देना चाहें तो दे सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाले कलर दे देता हूँ और इसको जो मैटर है ये मैटर हमने चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप एक बॉक्स लेकर के इसको हम डिजाइन को भी चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये वाला कलर दे देता हूँ सेम, और सारे को
उठा देता हूँ, ठीक है। उठाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, ये वाला जो नीचे वाला है इसको भी मैं उठा देता हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे तो ये सारा सेम दिख रहा है, लेकिन मैं सेम नहीं बनाऊँगा, मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। चेंज करने के लिए हमें यहाँ से जाएंगे, पहले कर्व कर देता हूँ, अब बीच से कहीं से भी मैं डिजाइन उठा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैं इन सब को पकड़ के बीच से ले ले रहा हूँ। अब इस बीच से लेने के बाद, हालांकि हमारा यही खैर सही था, थोड़ा सा शेप थोड़ा अलग है, तो मैं इस मैटर को चेंज कर दे रहा हूँ। इसको मैं छोटा करके शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे तो छोटा हो जाएगा। यहाँ से लोअर केस है जो भी है, उस केस में आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद अब जो हमारा मैटर है इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चेंज करने के पहले इसको नीचे वाला जो ये है इसको तो हम पहले डबल कर लेते हैं, ठीक है। डबल करने के लिए हम ऐसे ऐसे कर ले रहे हैं, और इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, सॉरी ग्रुप राइट क्लिक करके, और इसमें मैं पावर क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है। पावर क्लिक नहीं हो रहा है तो मैं एक काम करूँगा, ये देखें हमारा ग्रुप कौन सा हुआ है, ग्रुप गलत हो गया, तो मैं इसको पकड़ लेता हूँ और इस वाले को, इसको ग्रुप करके अब मैं इसमें पावर क्लिप करूँगा। पावर क्लिप हो गया, ठीक है। जो हमारा ये फॉन्ट है काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो मैं इसको और बड़ा करता हूँ, या फिर इसकी फॉन्ट में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। हमारा फॉन्ट ये यही वाला रहने देता हूँ, बाकी अंदर की ये जो ये वाला है इसको भी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए हमें पहले इसमें कलर देना है, और सेम यही फॉन्ट तो खैर यही सही है, और इसमें मैं ये दिखाना है कि हमारा, हाँ ये डिजाइन है और लुक में दिख रहा है, और ये इसकी एडवर्टाइजिंग अच्छी अच्छी, चलो अच्छी अच्छी क्या कहना, ये तो है ही, ठीक है। तो मैं इसको और छोटा करता हूँ, क्योंकि इसकी जो फॉन्ट है ये अलग है थोड़ा सा, तो मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ जो इसकी फॉन्ट है, फॉन्ट को मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, और दूसरा फॉन्ट लगा दे रहा हूँ, ये फॉन्ट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट लगाने के बाद यहाँ से हम जाएंगे ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से जाएंगे फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने के लिए अब हम जाएंगे कलर्स पे, तो मैं कलर पे जाता हूँ, तो आई थिंक वैसे ही सही था, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा कलर दूंगा, इसको मैं पकड़ के, और यहाँ से मैं जाऊंगा तो नॉर्मल ही दे देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने नॉर्मल दे दिया, और इसको मैं उठा के इसके कलर में चेंज कर देता हूँ, ये वाली कलर पकड़ के लिए, और इसमें मैं कलर दे देता हूँ, ठीक है। चलो ये हमारा कलर भी वही सेम मैटर हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसमें जो कलर है, ये वाला जो फोटो है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा करता हूँ, यहाँ से मैं इसकी डिजाइनिंग कर देता हूँ कि हमारा अंदर से ये लुक देखना चाहिए, ठीक है।
और ये बाहर की जो आउटलाइन की कलर है इसको नन कर देता हूँ, अंदर वाला कलर फिर, और जो अंदर की कलर है इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा कर देता हूँ ग्रे, ग्रे नहीं खैर यही रहने देता हूँ। और इसमें एक काम और करेंगे कि जो इसकी आउटलाइन है इसको मैं थोड़ा सा और मोटा करना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं इसको मोटा किया, इसको मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। नहीं, हमें लुक में लाने के लिए तो यही हमें चाहिए, तो मैं आउटलाइन में ही रहने देता हूँ, ठीक है। और ये जो हमारे ये वाला ऑप्शन था जो दिख रहा है, तो इसको भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ हमारा है, ठीक है। तो अभी देखें, हमारा डिज़ाइन ये था और हमने डिज़ाइन ये कंप्लीट किया है, और यहाँ से अभी हमारा कंप्लीट नहीं है, तो मैं इसको अलग अलग पार्ट में बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ समझाएंगे, लिख देंगे भागा टू, सॉरी भागा टू कर देंगे, नहीं टू करने की जगह भागा थ्री कर देंगे, इसको थ्री पार्ट में कर देंगे। और यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे और इसके अंदर वाला जो डिजाइन है इसको मैं इसको मैं ऊपर ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर ले लिया और ये वाला अंदर ले करके इसको मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है, वाइट का इसको हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसमें ये थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर, ठीक है। इसको भी हम हटा के, फोटो हटा के और अलग अलग फोटो में डाल लेता हूँ। इन दोनों को मैं डिलीट कर सेंटर कर देता हूँ, सॉरी। इसमें जो हमारा कुछ आउटलाइन था उसका हमने डिलीट कर दिया है। अब मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ और इसको भी ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो आप कलर दे सकते हैं, तो मैं इसको कलर भी दे देता हूँ, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ मैटर्स लिखे हैं तो वो भी देख लेते हैं। डिलीशियस डिसेज बजट ब्रेंडली, चलो ये भी मैटर मैं लिख लेता हूँ, क्या मैटर है तो मैं लिख लेता हूँ डी ई एल आई सी आई ओ यू एस डी आई एस एच ई एस। एक मैटर ये हो गया, दूसरा मैटर है बी यू डी जी ई टी, फिर है एफ आर आई ई एन डी एल वाई फ्रेंडली, दूसरा है आर ई एल आई ए बी एल ई, फिर एस ए डब्ल्यू आई सी ई, ठीक है। ये हमारा मैटर है, अब हम इसको साइड कर लेते हैं, ठीक है। साइड करने के बाद इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ऊपर करने के बाद अब हम यहाँ पे कुछ मैटर्स रखेंगे। तो मैटर्स रखने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम कॉपी करेंगे और F8 दबाएंगे, इसमें हम पेस्ट कर देंगे। तो इसमें हमारा कुछ मैटर्स हैं और वो हमने पेस्ट किया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं तो मैं इसके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, बाकी इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो ये हम छोटा कर देता हूँ और यहाँ से आ करके फुल जस्टिफाई मैटर हमारा 6 पॉइंट पर रहेगा, और छोटा कर देते हैं और इसी के
बराबर पे कर देता हूँ, ठीक है। सेम इसी के बराबर तीनों हम मैटर लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा नाम है वो भी हम नाम लिख लेते हैं। तो नाम हम क्या रखेंगे, जैसे मान लो कुछ भी, जैसे नाम तो खैर पहले से ही पड़ा है, मुझे सिर्फ इसके नाम रखने हैं इस बॉक्स में, ठीक है, इस बॉक्स में। तो मैं कंट्रोल के साथ की मारता हूँ, सारे मैटर्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। सी फिर ई दबाएंगे तो ये हमारे इक्वल में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये अलग अलग तीन ऑप्शन में ले लेंगे, ठीक है। तीनों से हम कॉपी करके कंट्रोल एक्स मारेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। तो इसको हम कट करेंगे, यहाँ से पेस्ट कर देंगे। स्विस स्वाइस स्वाइस लिखा है, स्वीश जो भी है, मैं हम इसमें यही कलर दे देते हैं, ठीक है। अब इन सबको मैटर को नीचे बॉक्स को नीचे कर देता हूँ, आउटलाइन नन कर देता हूँ। जो हमारा मैटर है, ये तीनों मैटर अलग होनी चाहिए या फिर ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो मैं एकदम सेम तो नहीं बना रहा हूँ डिजाइन, लेकिन एक तरह से मिलता जुलता बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा मिलता जुलता डिजाइन भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ से आप चाहें तो इसके नाम भी रख सकते हैं। ये देखें हमने नाम भी रख दिए इसके, और जो मैटर्स हैं नीचे वो मैटर्स भी हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ से हम चाहें तो इसको हम पकड़ के थोड़ा सा छोटा कर देंगे और ऊपर कर देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, इसको भी ऊपर कर देंगे। और इसको भी, ठीक है, इसको हम इस वाले गोला को मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, और छोटा करने के बजाय मैं थोड़ा सा और बड़ा करूँगा। और जो हमारा साइड वाला, इसको मैं टॉप में ले लेता हूँ, या फिर इस किसी राइट साइड में ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखिए बहुत बड़ा हो गया है, तो हमारा छोटा सा ही काफ़ी है। तो मैं एक काम करूँगा, इन सबको ग्रुप करूँगा। तो अभी देखें हम इसको सारे को इक्वल लेके और ग्रुप कर लेते हैं इसको, ग्रुप फिर इसको सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। सेंटर में लेने के बाद अब देखें हमारा ये डिजाइन ऐसे था और ये हमारा डिजाइन कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से ये इसके कुछ इस टाइप के लिख सकते हैं। यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ से कुछ मैटर भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो यही है कलर, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कर्व कर दूंगा, ठीक है। और ये मैटर लिखा है 50%, तो मैं लिख दूंगा सेम वही मैटर 50%। एक टूल पकड़ेंगे और यहाँ से लेके आएंगे, मैं लिख देता हूँ 80% लिख देता हूँ, सीधे 60% लिख देता हूँ, 60% ही बहुत होता है, ठीक है। और इसमें मैं इसको वाइट कर देता हूँ या फिर ब्लैक कर देता हूँ। इसको मैं करने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ, ठीक है।
इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और जो हमारा मैटर है इसको थोड़ा सा सटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और सेव को मैं नन कर दे रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे कर दे रहा हूँ। तो अभी देखिए हमारा डिजाइन बनके तैयार है, ठीक है। आप अगर डिटो कॉपी भी करेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी तो चेंजिंग होती ही रहेगी। और गाइज आप देखें ये डिजाइन कैसा लगा और कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि ये डिजाइन कैसा बना है। और इसमें कोई कमी बेसी है तो उसको भी कमेंट करें। और आने वाली वीडियो भी ऐसी आती रहेगी, ठीक है, आप देखना ना भूलें, ठीक है। अभी इसमें देखें कुछ कमी बेसी तो लग रहा है, तो खैर उतना तो चल ही जाता है। इसको और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस आप देखना ना भूलें और ज़रूर मेरे वीडियो भी देखें, और कुछ अच्छी अच्छी वीडियो आते रहते हैं, ठीक है। और इसमें बताएं कि मेरे डिजाइन्स में क्या कमी है और मैं इसको क्लियर करने की भी सोचूंगा। और देखें मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ। देखें ये लेफ्ट वाला डिजाइन है, हमने ये डिजाइन बनाया और ये डिजाइन कैसा लगा, और एकदम सादा सिंपल, ठीक है। हमारा लुक और इसका लुक में क्या अंतर है सारे कमेंट करें बताएं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।